नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर ब्रिस्बेन रोर वर्सेस मेलबर्न सिटी। ए लीग का ये मैच 25 मई को दोपहर में 2:35 से है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, दो बहुत ही तगड़ी टूर्नामेंट्स आ रही है। जोरो 2020 जो कि पोस्टपोन होकर अभी 12 जून से 12 जुलाई 2021 में होने वाला है, और कोपा अमेरिका जो कि 14 जून से 11 जुलाई के बीच में है। कुल मिलाकर 79 मैचेस हैं ये दोनों टीम्स के, दोनों टूर्नामेंट्स के बीच में। एक एक गेम कवर करेगा आपके लिए फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर की टीम। तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध दीजिए, बिकॉज आपके लिए पूरी रिसर्च हो रही है, पूरी मेहनत हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी हम पूरी तरह से सहायता कर पाएं इस दोनों टूर्नामेंट के दरमियान। बात करते हैं इस टेबल की दोस्तों, तो मेलबर्न सिटी कंफर्टेबली टेबल टॉप पे है। 23 गेम्स खेले हैं, जिसमें से 48 पॉइंट्स पर हैं, 7 पॉइंट की लीड है, एक गेम कम खेले हैं वर्सेस सेकंड प्लेस सिडनी। एकदम पूरी तरह से तैयार हैं टू प्ले इन द ए लीग फाइनल्स विच इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मंथ। तो इस गेम में इनफैक्ट अभी जो लास्ट गेम की जो दो गेम्स बची हुई हैं, दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट द बॉटम टू साइड्स, और हो सकता है कि मेलबर्न सिटी कपल ऑफ चेंजेस कर सके। अगर आप देखोगे सीजन में अब तक 15 गेम जीते हैं, 3 हारे हैं, 5 गेम ड्रॉ, 3 ड्रॉ करिए, 5 गेम हारे हैं, 55 गोल्स स्कोर करें हैं। You can imagine what a heavyweight this team is. इनका मुकाबला है ब्रिस्बेन रोर के अगेंस्ट, जो कि 22 गेम खेली है अब तक, जिसमें 9 जीते हैं, 7 ड्रॉ करी है, 6 गेम हारे हैं, 34 पॉइंट्स पर हैं। यदि ये अपनी रिमेनिंग गेम्स जीत जाते हैं, मौका है इनके पास, उम्मीद अब भी है कि ये टॉप 3 टॉप 4 में फिनिश कर जाएं, या टॉप 2 भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ द अदर रिजल्ट्स पैन आउट टू बी। अच्छा मुकाबला होगा, एंड वी विल पैक मेलबर्न सिटी टू स्टिल स्टार्ट एज फेवरेट्स इन दिस गेम। एक्सपेक्टेड स्कोरलाइन हमारे हिसाब से ये 2-1 या 3-1 इन फेवर ऑफ मेलबर्न सिटी हो सकती है। पिछली 5 गेम अगर देखोगे मेलबर्न सिटी की, दे हैव वन 4 गेम्स ड्रॉन 1। इनफैक्ट अपनी लास्ट 10 गेम में ये अनबीटन रहे हैं। पिछली 17 गेम में मेलबर्न सिटी केवल एक बार हारी है। यू कैन इमेजिन दे आर अ बिग फोर्स टू रेकन विद। पिछले 5 गेम में से इन्होंने 13 गोल स्कोर करे हैं, एक ही क्लीन शीट रख पाए, वो भी सेंट्रल कोस्ट माइनस के लिए रखा था, बट अदरवाइज दे आर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द लीग। इनका मुकाबला है ब्रिस्बेन रोर के अगेंस्ट, जिसने लास्ट गेम में न्यूकासल जेट्स को 2-1 से हराया। पिछले 5 में से अब ये 2 जीते हैं, 2 गेम हारे हैं, 1 गेम ड्रॉ करी है, एक ही क्लीन शीट रख पाए हैं, और 6 गोल इन्होंने कंसीड करा अपने लास्ट 5 गेम्स में। कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स की बात करें तो ब्रिस्बेन के लास्ट 5 ए लीग होम गेम्स हुए, उसमें से वो केवल एक ही जीते हैं। मेलबर्न सिटी का अवे फॉर्म बहुत बेहतरीन है, लास्ट 5 अवे गेम में से केवल ये 1 में ही हारे हैं। Like I said, we will back Melbourne City to start as favorites in this game. But याद रखना कि Melbourne City में changes expected हो सकते हैं। Brisbane की last 5 games against Melbourne City देखोगे तो वो केवल एक ही बार जीत पाए। In fact, last 7 games में Brisbane City ने हर game में at least एक goal तो concede करा ही करा है। ऐसे और interesting stats और analysis के लिए आप हमारा Telegram channel join करना मत भूलिएगा, जिसका link मैंने description में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक का वीडियो लाइक कर लिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिल जाती है। बात करते हैं एक्सपेक्टेड 11 की, तो ब्रिस्बेन रोर की तरफ से तो कोई सरप्राइजेस एज सच एक्सपेक्टेड नहीं है, बट मेलबर्न सिटी की तरफ से लग रहा है कि मेटकाल्फ नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पर बैरिंग वेयर खेलने चाहिए। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि मक्लारेन भी शायद ना खेलें इस गेम में, और इनकी जगह पर किसी और को मौका मिल सकता है। नून ने लास्ट गेम में स्कोर करके अपनी ऑलमोस्ट 9 मैच गोललेस स्ट्रीक को फाइनली ब्रेक किया है। यहाँ से मेलबर्न सिटी से देखोगे आप तो मैक्लारेन कितने इंपॉर्टेंट है, 25 गोल 5 असिस्टेंस के, ही इज द टैलिस्मैन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। नून 6 गोल 8 असिस्ट है, मेटकाल्फ हैज स्कोर 5 गोल 3 असिस्ट, नबूत 3 गोल 5 असिस्ट, लूना अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, 3 गोल 3 असिस्ट के हैं। गैलोवे जो कि इनके डिफेंडर हैं, जेमिसन भी डिफेंडर है, दोनों ने दो दो गोल स्कोर करें, गैलोवे के 2 असिस्ट हैं, जेमिसन के 1 असिस्ट है। टीलियो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग पिक इस पर्टिकुलर गेम के लिए, लेट्स सी हाउ ही पैन्स आउट टू बी। आपकी जीआर टीम में इसको जरूर ट्राई कर सकते हो, 1 गोल 4 असिस्ट इसका। बैरिंग वेयर हु शुड स्टार्ट इन प्लेस ऑफ मेटकाल्फ इन दिस गेम, ही स्कोर 1 गोल 3 असिस्ट, एटकिंसन हैज स्कोर 1 गोल 2 असिस्ट, कोलाकोस्की 1 गोल 2 असिस्ट है। दोस्तों याद रहे, अगर मैक्लारेन नहीं खेलते हैं तो उसकी जगह पे कोलाकोस्की को मौका मिल सकता है इस पर्टिकुलर गेम में। वंस अगेन आपकी जीएल टीम में आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। गुड इनके डिफेंडर हैं, अगेन ही स्कोर 1 गोल 1 असिस्ट सो फार। रियस अगेन पोर्चुगीज डिफेंडर हैं इनके, ही स्कोर 1 असिस्ट सो फार। ब्रिस्बेन की बात करें तो डंजाकी इनके लीडिंग स्कोर हैं, जैपनीज मिडफील्डर हैं, ही स्कोर 8 गोल्स 1 असिस्ट सो फार। वेंजल हायल्स हैव स्कोर 7 गोल्स 3 असिस्ट, गिलेस्पी इनके डिफेंडर हैं, 3 गोल 3 असिस्ट में। जे ओशिया लास्ट गेम में काफी अनोखा काम किया था, ओन गोल भी मारा और फिर अपनी टीम के लिए विनिंग गोल मार के इनको 2-1 से जिताया था। तो अगेन जे ओशिया वुड वॉन्ट टू फॉरगेट दैट गेम फॉर द ओन गोल, बट जो विनिंग गोल दिला है
उसके साथ अब इनके 2 गोल हैं सीजन में और 3 असिस्ट हैं। चैंपियंस है स्कॉर 2 गोल्स 2 असिस्ट, ब्रिंडल साउथ 2 गोल्स में है, हिंगर्ट 1 गोल 1 असिस्ट है, ब्राउन करके जो उनके मिडफील्डर है ही स्कॉर 7 असिस्ट सो फार एंड विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक फॉर दिस गेम। मैक्लारेन, नून, वेंजल हॉल, जंजाकी और ओशिया, ये पांचों अच्छे खासे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं फॉर दिस गेम। फिर ऐसे ड्रीम इलेवन टीम की तरफ चलते हैं, तो मैक्लारेन, नून और वेंजल हॉल्स, इन तीनों को पिक किया हुआ हमने एज आर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन एज वेल, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग फिनोमिनल रिटर्न्स इन दिस गेम। मिडफील्ड में वी गॉट ब्राउन, ओशिया एंड डंजाकी। ओशिया एंड डंजाकी आर गुड ऑप्शंस फॉर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। याद रहे डंजाकी इज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर ब्रिस्बेन डोर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मस्ट हैव पिक बन जाते हैं इस पर्टिकुलर गेम के लिए। पहले ये एक स्ट्राइकर की तरह क्लासीफाई होते थे, इस गेम में सेंसिबली इनको मिडफील्डर रखा हुआ है। डिफेंस में अगर आप देखोगे तो वी गॉट ग्लोवर, जेमिसन एंड गैलोवे फ्रॉम मेलबर्न सिटी, और हमने जे कटनी पकिंस को पिक किया हुआ है फ्रॉम ब्रिस्बेन। 8 क्रेडिट के प्लेयर है, इसके साथ हमारे प्लेयर्स बच जाते हैं 8.5 क्रेडिट, 10 प्लेयर हो चुके हैं दोनों तरफ से, 5-5 प्लेयर, 3 डिफेंडर, 3 मिडफील्डर ऑन 3 स्ट्राइकर। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन होगा हमारा 11th प्लेयर। क्लियरली डिपेंड करेगा कि हम क्या स्कोर लाइन चेस कर रहे हैं। अपनी एक्सपेक्टेड स्कोर लाइन फॉर दिस गेम हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अंडर प्रीव्यू एंड की स्टैट्स, यदि आपने मिस करा एक बार तो उसको सुन लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी आइडिया लग जाएगी किस तरीके से हम इस गेम को चेस कर रहे हैं। हमारे हिसाब से एल्ड्रेड इज एन ऑप्शन दैट यू कैन कंसीडर फ्रॉम ब्रिस्बेन रोड, रेस फ्रॉम मेलबर्न सिटी, लूना, बेरिंगवेयर, दोनों में से आप जरूर ट्राई कर सकते हो। लूना शायद 9 क्रेडिट के प्लेयर होंगे तो वो आप ऐसे पिक नहीं कर पाओगे। मान लो अगर मैक्लारेन नहीं खेलते हैं तो सीधा सीधा आप लूना को पिक कर सकते हो, वहां से बेरिंगवेयर भी आ जाएंगे और फिर आप कर्टनी पर्किंस को भी अपग्रेड कर सकते हो टू एल्ड्रेड। सो काफी कुछ डिपेंड करेगा कि लाइनअप किस तरीके से आ रही है, कौन प्लेयर्स खेल रहे हैं कौन प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, टीलियो कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर जीएल टीम्स, राइट। सिमिलरली कोलावॉव्स की अगर खेलते हैं इन प्लेस ऑफ मैक्लारेन कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर योर जीएल टीम्स। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक सैम्पल टीम थी, फाइनल टीम नहीं थी। फाइनल टीम आपको डेडलाइन से 10-15 मिनट्स पहले हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसमें लत लगने की पॉसिबिलिटी होती है, तो प्लीज रिस्पॉन्सिबल गेमिंग करिएगा। जितना अपना रिस्क एपेटाइट हो उसके हिसाब से आप इसमें एंगेज करिएगा। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यदि वो लिंक से ज्वाइन नहीं करना है तो यहाँ दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, ये सीधा आपको लेके जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तीसरा अनोखा मौका ये है कि आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर टाइप कर सकते हो और सीधा आप हमारे ऐप पे जुड़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक का वीडियो लाइक कर लिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।